यार गाइस सुबह ही सुबह का यहाँ का मौसम भाई कितना ज्यादा ओपी हो रहा है। और गाइस मेरे को तो काफी ज्यादा ठंड लग रही है यार, घर के अंदर भी ठंड लग रही है और घर के बाहर तो गाइस लगेगी लगेगी, लेकिन गाइस मेरे को ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, इसलिए गाइस यार मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी गाइस इस टाइम कितना हो रहा है, अरे यार अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं। गाइस आपको पता है पूरी रात से भाई मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन सिंचन का बच्चा मजे से सो रहा है यार। मेरे को गाइस नींद ही नहीं आ रही यार, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। सुबह के गाइस 5 बज चुके हैं और अब तक गाइस मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन गाइस यहाँ का एक बार मौसम चेक करो कितना चिल्ड हो रहा है। और जैसे गाइस सुबह 8 बजेंगे ना, उसके बाद देखना यहाँ पर ना गाइस स्नो भी पड़ने लग जाएगी, बर्फ और ज्यादा पड़ेगी भाई यहाँ पर। मैं गाइस जिस हाउस के अंदर रह रहा हूँ ना, इस हाउस के ओनर से गाइस मैंने पूछा था भाई आखिरकार स्नो कब कब पड़ती है, तो गाइस इसने मेरे को बताया था कि भाई सुबह के गाइस जैसे 8 बजेंगे ना, उसके बाद गाइस बर्फ पड़नी चालू हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद गाइस बर्फ यार बंद होती है आई थिंक रात के 12 बजे से। और गाइस हम आज पूरे दिन भाई यहाँ पर रहने वाले हैं भाई। और गाइस यार आप लोगों ने यार लास्ट वाली वीडियो में तो देखा ही था, गाइस मैं और सिंचन गाइस कायो पेरी को आए थे और गाइस यार हमने काफी थक गए थे, इसलिए गाइस हमने भाई फटाफट से घर लिया और उसके बाद गाइस हम तो भाई आकर सो ही गए थे, इसलिए गाइस यार मेरे को अभी नींद भी नहीं आ रही, लेकिन सिंचन के बच्चे को भाई नींद पे नींद आ जा रही है। तो भाई लास्ट टाइम गाइस हम यहाँ पर भाई कायो पेरी को आए थे अपने लॉस सेंटोस से, क्योंकि गाइस अपने लॉस सेंटोस में भाई काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए गाइस मैंने डिसाइड करा कि भाई हम अपने लॉस सेंटोस से बाहर निकलेंगे और जाएंगे भाई कायो पेरी को, और वहां पर भाई पूरे के पूरे 2 दिन बिताने वाले हैं। तो गाइस हमारा एक दिन तो गाइस यहाँ का बीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है आज गाइस हमको यहाँ पर रहना है, उसके बाद गाइस कल को गाइस अपने लॉस सेंटोस के लिए हमको दोबारा से निकल जाना है। लेकिन गाइज हमारे साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जिस गाड़ी से गाइज हम यहाँ पर आए थे ना वो गाड़ी गाइज प्रॉपर खराब हो चुकी है, इसलिए गाइज यार उस कार को भाई मैंने मैकेनिक के यहाँ पर दे रखा है, वो कार गाइज आज मेरे को ले करके आनी है। और गाइज उस बंदे ने बताया था शाम के 5 बजे गाइज वो कार मेरे को मिलेगी, तो गाइज मेरे को शाम के 5 बजे तक कोई कार का इंतजाम करना पड़ेगा जिससे गाइज हम यार यहाँ पर घूम सके। तो गाइज कार कहाँ से लाऊं, चलो ठीक है गाइज प्रॉपर सुबह उन देते हैं, उसके बाद गाइज कार भाई मेरे को रेंट पर भी लेनी पड़ेगी जिससे गाइज हम प्रॉपर यार यहाँ पर घूम सके कायो पेरिको में। सुबह सुबह साइकिलिंग करने में मुझे जो मजा आता है वो मुझे किसी भी चीज में नहीं आता, मैं इस करके अपनी साइकिल लेके सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ ठंड के कपड़े पहन के, बहुत मजा आता है मुझे साइकिल चलाने में। अरे एक सेकंड साइड को पहले साइड में लगाता हूँ, मेरा मतलब कि साइकिल को पहले साइड में लगाता हूँ। वहाँ पर सामने मुझे एक जानवर दिख रहा है, ये जानवर है इंसान है, चल के देखते हैं। अरे नहीं 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 ये जानवर नहीं है तो इंसान है, ये योगा कर रहा है, बताओ ये योगा कर रहा था, मुझे लगा कोई जानवर बैठा हुआ है लेकिन ये तो इंसान है। बढ़िया भाई बढ़िया, मैं पहली बार अपने इधर देख रहा हूँ कोई योगा कर रहा है इतनी सुबह सुबह वो भी ठंड में। अरे मेरे को लग रहा है भाई तू ना मेरे से बात कर रहा है, तू मेरे से बात कर रहा है ना? हाँ जी हाँ जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अरे दरअसल भाई तूने हेडफोन लगा रखा है ना, मुझे लगा तू कॉल पर बात कर रहा है, बता भाई क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ये प्रॉब्लम है इतनी ठंड में भाई साहब तुम योगा कैसे कर सकते हो वो भी बिना कपड़े पहने। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ? मैं भाई लॉस एंटोस से आया हूँ, वहाँ पर इस टाइम काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि भाई मस्त करके भाई मैं ठंडे मौसम को एंजॉय कर सकूँ। मैं तो भाई बिल्कुल भी गर्म कपड़े नहीं पहनने वाला। अरे ठीक है फिर जैसी मर्जी तुम्हारी, जो करने वो करो, मेरे को तो लेकिन तुमको देख के काफी हंसी आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ कोई योगा नहीं करता। अरे वाह यार सुबह हो गई गाइस, मजा ही आ गया यार, रात तो गाइस मेरे को सच में बहुत अच्छी नींद आई यार। यहाँ पर गाइस लॉस सेंटोस के अंदर तो यार लाइट चली जाती है रात को, तो गाइस मैं तो वहाँ पर सही ढंग से सो नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर तो गाइस मैं मस्त करके सोया। पता नहीं गाइस कितना टाइम हो रहा है, लेकिन धूप को देख के मैं पता कर सकता हूँ आकर कितना टाइम हो रहा है। इस टाइम गाइस मेरे ख्याल से यार 8 बज रहे होंगे। वाह यार यहाँ का मौसम देखो कितना मस्त रहा है, लेकिन फ्रेंकिल भैया गाइस घर में थे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे फ्रेंकिल भैया किधर हो यार, मेरे को लगता है यार फ्रेंकिल भैया मेरे को छोड़ के चले गए रेस्टोरेंट और वहाँ पर जाके यार फुल एंजॉय कर रहे होंगे, कभी कुछ खा रहे होंगे कभी कुछ खा रहे होंगे। फ्रेंकिल भैया तुम मेरे को छोड़ के कैसे जा सकते हो? लेकिन यार फ्रेंकिल भैया गए किससे होंगे, क्योंकि गाइस जो हमारी गाड़ी है ना वो गाड़ी तो भाई खराब हो गई थी यार, क्योंकि गाइस हम ना बहुत दूर से हैं यहाँ पर गाड़ी से चलते चलते, हमको गाइस आते समय पूरे के पूरे 2 दिन लग गई थी। लास्ट वाली वीडियो तो गाइस आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो गाइस हमको पूरे 2 दिन लगे थे यहाँ पर आने में, इसलिए गाइस गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी गई हुई है मैकेनिक के पास से। फ्रेंकिल भैया रेस्टोरेंट कैसे गए होंगे? और वैसे गाइस मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि फ्रेंकिल भैया रेस्टोरेंट गए, पता नहीं यार कहाँ चले गए होंगे। यार यार फ्रेंकिल भैया किधर हो यार, मैं क्या करूँ? फ्रेंकिल भैया तुम मिल जाओ मेरे को, मैं अकेले यहाँ पर कहीं जा भी नहीं सकता। या फिर एक काम करता हूँ गाइस, सामने ना मेरे को समुद्र दिख रहा है, वहाँ पर तो जा ही सकता हूँ। बस एक बार यहाँ से पीछे देख लो, ये जो आप सामने खंबे वाला घर देख लो, खंबे के सामने जो है ये घर है गाइस हमारा, ये हमने पूरे के पूरे 2 दिन के लिए बुक कर रखा था। चलो जब तक फ्रेंकिल भैया नहीं आते जब तक गाइस समुद्र के पास जाता हूँ। वाओ यार कितना प्यारा लग रहा है समुद्र, जाके नहा के देख के आता हूँ। लेकिन गाइस पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा यार, मैं कैसे नहा सकता हूँ? अरे यहाँ पर गाइस आसपास कोई नहीं है, यहाँ पर ये वाली गाड़ी मिल गई मेरे को, पता है गाइस ये ना यार बिना चाबी के स्टार्ट होती है, रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। बस कोई है तो नहीं आसपास, बहुत अच्छी बात है कोई नहीं है, अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हो गई देखो हो गई, बढ़िया यार मजा आ गया। ये गाड़ी ना गाइस मेरे दोस्त के पापा के पास भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गाइस 2 तार मैच करने होते हैं, उसके बाद ये कार स्टार्ट हो जाती है। मैंने अभी अभी 2 तार यार चिपका, ये देखो स्टार्ट हो गई, बढ़िया यार मजा ही आ गया। अरे
बॉस सामने तो बोट चला रहा है कोई, चले काम करता हूँ गाइस, पानी में जाके देखता हूँ। भाई साहब मजा आएगा यार ठंडी ठंडी पानी में। अरे अरे भाई साहब मेरी तो यार कुल्फी जम गई, अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे को जल्दी से गाइस बाहर निकलना होगा। बच गया भाई बच गया, आज तो गाइस यार मुझे लग रहा है मैं बर्फ में जम ही जाता। फटाफट से यार ये धूप निकल जाए उसके बाद और मजे आएंगे। भाई साहब अच्छी बात है मेरे को यहाँ पर ही गाड़ी मिल गई। चलो गाइस अब थोड़ी देर इस गाड़ी से एंजॉय करता हूँ। गाइस यार अभी मैं यहाँ पर यार स्टोन के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन भाई सामने यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सामने सिंचन हो, लेकिन नहीं यार सिंचन तो घर में सो रहा है, सिंचन कैसे यहाँ पर आ सकता है। लेट्स गो गाइस चल के देखते हैं। नहीं यार ये तो सिंचन ही लग रहा है। एक तो गाइस बर्फ के अंदर ये साइकिल चल नहीं पा रही, क्योंकि गाइस जो साइकिल के टायर है ना वो भाई बर्फ के अंदर जा चुके हैं। काफी मुश्किल हो रहा है गाइस इस साइकिल को चलाने में। लेकिन गाइस सिंचन के बगल में एक गाड़ी भी है, पता नहीं यार सिंचन, और ये सिंचन है गाइस पक्का सिंचन है। चल जा भाई चल जा। ओए सिंचन के बच्चे मेरी आवाज आ रही है कि तेरे को। ओए सिंचन, अरे ये तो फ्रेंकल भैया की आवाज है। कहां फ्रेंकल भैया, कहां दिख नहीं रहे। अबे ये रहा सिंचन के बच्चे। लेकिन वेट, तू यहां पर कैसे पहुंचा सिंचन? अरे हमारे घर ज्यादा दूर थोड़ी ना, सामने ही तो है फ्रेंकल भैया। तुम यार मेरे को घर में मिले नहीं इसलिए मैं यहां पर आ गया फ्रेंकल भैया। अभी देखो सामने एक बंदा है फ्रेंकल भैया, वो ना बोटिंग कर रहा है, मैं यार उसे देख रहा हूं। लेकिन सिंचन ये गाड़ी किसकी है भाई? अरे कुछ नहीं फ्रेंकल भैया, मुझे पता है ये गाड़ी कैसे अनलॉक होती है। ये ना सामने खड़ी हुई थी और मैंने इसे अनलॉक कर दिया। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो सिंचन तू यहीं खड़ा रहे भाई, एक बार ड्राइव करके तो आऊं यार। बढ़िया यार, काफी बढ़िया लग रही है ये कार। तो एक काम करता हूं गाइस, आज इस कार को भाई मैं ही रख लेता हूं। लेकिन नहीं गाइस, अगर यार पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस को पता कैसे लगेगा यार कि ये गाड़ी मैंने चोरी करी है? बोल दूंगा कि गाइस यार ये ना भाई मेरे घर के आगे पड़ी हुई थी तो भाई मैंने उठा ली। हां सिंपल है गाइस, यही बोल दूंगा। वैसे भी ये कोई लग्जरी कार थोड़ी है, काफी खटारा लग रही है मेरे को तो। सही है गाइस सही है, आज का काम चल जाएगा इससे। आज सिंचन बैठ भाई, चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं, चाय पीऊंगा फ्रेंकल पे। मैं तो बहुत तेज यार, मेरे को प्यास लग रही है। अबे प्यास लग रही है तो सिंचन पानी पीना, चाय कौन पीता है? अरे लेकिन सुबह सुबह तो चाय पी जाती है ना। हाँ ये भी बात ठीक है। तो गाइस चलते हैं भाई फटाफट से चाय वाय पी के आते हैं। और गाइस मेरा भी यार बोटिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन बोट आसपास दिख नहीं रही। ये सामने गाइस बंदा बोटिंग तो कर रहा है। हेलो भाई, हेलो मेरी बात सुनो, मेरे को एक बार अपनी बोट दिखाएगा क्या? नहीं दिखाने वाला यार ये। अरे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पीछे से मेरे को आवाज दे रहा है? लगता है मेरे को जाना पड़ेगा, किसी को तो मेरी हेल्प की जरूरत है। कहीं ये पुलिस वालों ने तो मेरे को आवाज दे दी। अरे पुलिस वाले, अरे बाप रे, अरे बच गया, अरे बच गया। मैं जब भी किसी की हेल्प करना चाहता हूँ उस टाइम मेरा जरूर एक्सीडेंट होता है। वो तो अच्छी बात है ये पुलिस वाले मेरे से कुछ कह नहीं रहे, वरना तो पता नहीं मेरा क्या ही कर देते। यहाँ पर कोई खड़ा है यार समुद्र के किनारे, कहीं इसने तो आवाज नहीं दी। अरे फाइनली भाई तू मेरे पास आ गया, एक बार भाई दिखाएगा कि अपनी बोट? क्या कहा, तूने मेरे को आवाज दी थी क्या? हाँ भाई मैंने तेरे को आवाज दी। अच्छा तो तूने आवाज दिया, लेकिन किस लिए? भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए आवाज दिया ताकि भाई तू अपनी बोट मेरे को दिखा सके। भाई मेरे को ना तेरी बोट ड्राइव करनी है। अरे खुद कमाओ पैसे और उसके बाद बोट खरीदो और मेरी तरह एंजॉय करो। अरे दरअसल बात क्या है ना भाई, मैं ना यार तुम्हारे इधर का हूँ नहीं, मैं ना लॉस एंटोस से हूँ। क्या सच बताओ, तुम लॉस एंटोस से आयो? लॉस एंटोस मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। अरे फिर तो भाई अपनी बोट समझो, ये बोट तुम्हारी मैं तुम्हारा, तुम जाओ बोट को चलाओ। अरे वाह यार फिर तो बहुत अच्छी बात है, चले फ्रेंगल पे मैं भी चलता हूँ। रुक जा सिंचन भाई, एक बार पहले मैं ड्राइव करके आ जाऊँ इस बोट को, उसके बाद सिंचन तेरे को ही बुला ही लूंगा। अरे काम करो फिर, मुझे बिठा लो ना बोट के पीछे। आओ आ जाओ भाई बैठो फटाफट से। हाँ ये सही बात है, मेरे को बिठाओ। मैं सच बता रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है लॉस सेंटोस का कल्चर, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ लेकिन पैसों के कारण मैं वहाँ पर जा नहीं पा रहा। अरे फिर तो भाई मैं आपको लॉस सेंटोस घुमा सकता हूँ, वहाँ पर ना मेरे पास घर है भाई, और मेरे घर में अगर आप आ गए ना काफी ज्यादा लग्जरी घर है मेरा। बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो मैं तुम्हारे लॉस सेंटोस आऊंगा तो मुझे लगता है तुम अपने घर पर मुझे जरूर बुलाओगे। तो एक काम करता हूँ, अब तुम यहाँ पर मेरे शहर आए हो, बताओ कब तक रहोगे यहाँ पे? भाई हम ना सिर्फ और सिर्फ आज आज के लिए आए, तो आज भाई मतलब कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। अरे तो ठीक है, तुम कल तक अब मेरे घर में रहोगे। चलो चलो तुम मेरे घर चलो। अरे वाह ये तो अच्छी बात है गाइस, इस बंदे से मेरी दोस्ती होगी। अब मैं तुम्हें अपना पूरा का पूरा शहर घुमाऊंगा, हमारे शहर का नाम तो तुम्हें पता ही है ना। हाँ भाई कायो पेरिको, यहाँ पर भाई मैं इसलिए आया हूँ ताकि भाई गर्मी से मेरे को छुटकारा मिल सके। तो ठीक है अब तुम मेरे घर चलो, वहां पर मैं तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। और तो और भाई तुम्हें पता है मेरी ना गाड़ी भी खराब हो गई है, बेफिक्र रहो मेरे पास काफी सारी गाड़ियों की कलेक्शन है। मेरे पास सुपर कार है, स्पोर्ट कार है, एसयूवी कार है। मैं भी कम अमीर नहीं हूँ, बहुत ज्यादा अमीर हूँ। अच्छा आप अमीर हो गए, आपके पास बहुत सारी गाड़ी है। बहुत सारी गाड़ियों की कलेक्शन ही कलेक्शन है। बढ़िया यार सिंचन, चल सिंचन चल भाई इनके घर चलते हैं। वहीं पर सिंचन ये बंदा चाय हमको पिलाई देगा। चाय की बात कर रहे हो तुम, तुमको जो चाहिए वो लेना मेरे घर से, मेरा घर तुम्हारा घर अपना ही घर समझो। लेकिन भाई जाएं कैसे, पैदल पैदल जाना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं अपने ड्राइवर को बुलाता हूँ, मेरा ड्राइवर यहाँ पर कार लेके आ जाएगा, उससे चलना मेरे घर, वहाँ पर चल के बहुत एंजॉय करेंगे। अरे बहुत अच्छे, लेकिन भाई आप अपना नाम तो बता दो, हमको आपका नाम ही नहीं पता। बढ़िया यार गाइस बंदा तो काफी सही मिल गया लगता है गाइस, आज रात को गाइस हम इसके घर पर ही सोएंगे। अरे यार फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ड्राइवर को कॉल करके बुलाऊंगा तो ड्राइवर को आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए काम करता हूँ जाकर मैं खुद ही गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। मैंने
इमरजेंसी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक कार खड़ी कर रखी है, तो आज ये कार काम आएगी। मेरे पास बहुत कार है इसलिए मैंने यहाँ पर एक कार खड़ी कर रखी है। मैं यहाँ पर डेली आता जाता रहता हूँ अगर कभी इमरजेंसी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कार पार्क कर रखी है। फटाफट से इस कार को लेता हूँ और अपने दोस्तों को अपने घर लेके चलता हूँ अपनी कार से। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से चाबी लगा के इसे अनलॉक करता हूँ। अरे यार बढ़िया यार, गाड़ी दमदार है मेरी, कुछ भी कहो, रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक मतलब आगे बढ़ने लगी। आओ मेरे दोस्तों बैठो। अरे बड़ी जल्दी आ गया भाई तेरा ड्राइवर, लेकिन वे ड्राइवर तो है ही नहीं। अरे तुम बैठो ना, मेरी कार समझो इसे। मेरी कार समझो मतलब भाई आपकी कार नहीं है क्या? अरे यार मैं भी ना, मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, तुम लॉस सैंटोस से आयो तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये कार मेरी है, अब तुम चलो फटाफट से घर पे। और फ्रेंकल भाई तुमको पता है जो गाड़ी फ्रेंकल भाई मैंने अनलॉक करी थी ना, उसका फ्रेंकल भाई अभी ड्राइवर आया और यार वो अपनी कार लेकर चले गया। अच्छा सिंचन वो लेकर चले गया क्या? हाँ गाइस अभी कार देख नहीं रही। कार? अरे किस कार की बात कर रहे हो? ये देखो ये जो सामने खड़ी है। अच्छा ये कार क्या है? इसे बग्गी बोला जाता है। अच्छा तो तुमने ये अनलॉक कर ली? और क्या मेरे को आता है यार, ये ना मेरे दोस्त के पापा के पास भी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम टेंशन मतलब तुम्हें ऐसी कार चाहिए तो मुझे बता दो, अभी मैं दिला दूंगा। नहीं भाई हमें क्यों ही चाहिए, आप बस फटाफट से अपने घर लेके चलो। वैसे यार यहाँ का सिंचन रास्ता देखियो कितना प्यारा है ना। हाँ यार एकदम ब्यूटीफुल है। मन तो गाइस अब मेरा ये कर रहा है कि भाई मैं ना यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाऊँ, फिर तो सिंचन भाई हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे ना यहाँ पर। यहाँ का गाइस कल्चर भी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और तो और भाई यहाँ पर गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है यार, एकदम मस्त करके ठंड पड़ रही है। लेकिन वेट सिंचन भाई टाइम कितना रहे? अरे फ्रेंकल भाई 9 बज गई। अरे सिंचन भाई जिस घर के अंदर रात में हम रुके थे उस हाउस का ओनर तो सिंचन ये बोला था कि भाई 8 बजे सिंचन बर्फ पड़ने लग जाएगी। अरे बर्फ पड़ेगी ना, आज पता नहीं क्या हो गया, आज तो धूप निकल के आ गई। देखना थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे लगता है बर्फ पड़ने वाली होगी। तो गाइस अभी पूरा 1 घंटा बीत चुका है, पता नहीं गाइस ये बंदा भाई हमको कहां लेके जा रहा है। अरे बेफिक्र रहो अपने घर पर लेके जा रहा हूं। और लो फाइनली हम घर पर पहुंच भी गए। अच्छा ये वाला है क्या तुम्हारा घर? बिल्कुल सही, यही मेरा घर है। अरे फटाफट से अपना गैराज दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ यार आखिरकार आपके पास कौन कौन सी कार है। पहले मेरा घर तो देख लो, उसके बाद तुम कार भी देख लेना। गाइस इसका बंदे का घर तो यार काफी ज्यादा बड़ा ही लग रहा है। आओ फटाफट से मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार मेरे घर में कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। और इस स्विमिंग पूल की काफी बड़ी खास बात है, इसके अंदर जो भी जाता है ना वो एकदम गर्म होके आता है। जैसे अगर किसी को भी ठंडी लग रही होती है वो डायरेक्ट इसमें छलांग मारता है और वो गर्म पानी में कूद जाता है। अच्छा तो ये बोलना कि भाई ये स्विमिंग पूल का पानी एकदम गर्म है, जिसको भी गाइस ठंड लग रही हो वो इसमें जाओ और मस्त करके गाइस गर्म पानी में नहाओ, सही है ना? बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब बताओ यार आखिरकार तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी जो है ना वो इस घर में है नहीं। चलो तुम आखिरकार अंदर चलो, अंदर मैं तुमको चाय बना के पिलाता हूँ और अंदर चल के अपना घर भी दिखाता हूँ। हाँ भाई दिखाओ, उसके बाद चलेंगे आपके गैराज में भी और देख कर आएंगे आखिरकार आपके गैराज में भाई कौन कौन सी कार है। हम भी तो देखें अपने भाई कितनी कार की कलेक्शन में रखी है। आओ फटाफट से मैं दिखाता हूँ आखिरकार घर के अंदर से कहाँ से जाना है। तो गाइस अभी हम घर के अंदर भी आ चुके हैं, अंदर जाना है क्या? हाँ हाँ चलो, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इस घर को तुम अपने घर समझो। बढ़िया यार घर तो भाई अंदर से काफी ज्यादा लग्जरी लग रहा है। लेकिन वेट, ओ नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता गाइस। अरे बाप रे भाई सिंचन हम कोई बिल्डिंग के ऊपर है क्या? लेकिन नहीं गाइस हम बिल्डिंग के ऊपर कैसे पहुंच गए भाई, हम तो गाइस इसके घर के अंदर गए थे ना। मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्शन दोगे बच्चों, ये कोई तुमको लग रहा है तुम रियल के अंदर देख रहे हो? नहीं 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 ये बच्चों खिड़की नहीं है, ये दरअसल एक तरह की टीवी है समझ रहे हो। ये जो तुम बाहर देख रहे हो ये टीवी है, तुम खिड़की से बाहर नहीं देख रहे। क्या बात कर रहे हो भाई, ये टीवी है क्या? नहीं भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता। गाइस बताना ये आपको टीवी लग रही है? नीचे गाइस प्रॉपर भाई गाड़ियां चल रही है, सामने भाई बिल्डिंग वगैरह है, भाई ये टीवी है क्या सच में? अरे और क्या टीवी तो है, मैं तुमको कोई बिल्डिंग के ऊपर थोड़ने लेके आया। तुम अपने पैरों से मेरे घर के अंदर गए थे और मेरे घर के अंदर तो सिर्फ एक ही फ्लोर है, तो तुम बिल्डिंग के ऊपर कैसे पहुंच सकते हो? हाँ भाई ये भी बात सही है भाई, सच में गाइस इस बंदे ने जो कुछ भी बना रखा है काफी बढ़िया बना रखा है, मैं तो सच में चौंक ही गया था गाइस। और ये है गाइस इस बंदे का बेडरूम, बेडरूम भी गाइस काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। अब चलते हैं गाइस वॉशरूम के अंदर। बढ़िया यार घर तो आपने सच में काफी बढ़िया डिजाइन करके बनवाया है, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया यार आपके घर से। सामने भी गाइस मेरे को एक रूम दिख रहा है। चलो भाई चलो तुम फटाफट से यार चाय बना दो, मेरा तो गाइस काफी ज्यादा चाय पीने का मन कर रहा है। और ये बताओ तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए? नहीं यार गर्म कपड़े नहीं चाहिए, बस तुम मेरे को ये और बता देना आखिरकार भाई तुम इतने अमीर बने तो बने कैसे, हमको ही बताओ भाई ताकि हम भी यार काफी अमीर बन जाए। अरे हाँ यार फिंगल भी एकदम सही बोल रहे। अच्छा तो तुम्हें भी अमीर बनना है, चिंता मत करो बच्चों मैं तुमको अमीर बना कर ही भेजूंगा। वो कैसे भाई वो कैसे? वो कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार मैं अमीर कैसे बनाऊँ। अब तुम आओ मेरे पीछे मैं दिखाता हूँ आखिरकार मैं अमीर कैसे बना। अरे भैया मैं टीवी ऑन कर लूँ क्या? कर ले बच्चे कर ले, तू टीवी ऑन कर ले, जितना मर्जी चाहे उतना टीवी देख, मैं तेरे को बता देता हूँ मैं अमीर कैसे बना। मेरा अमीर होने का राज सिर्फ और सिर्फ ये मेरा प्यारा टोनू है, ये टोनू जब से मुझे मिला है इसने मुझे अमीर बना दिया और दिन पर दिन ये मुझे अमीर बनाता जा रहा है, बना
बढ़ाता जा रहा है और आगे भी बनाते ही जाएगा। अरे गाइस यार, इसके घर में ये कौन है भाई? इसके अंदर से ये किस टाइप की स्पार्किंग हो रही है? गाइस मैं इसके बेडरूम में तो आया था, लेकिन भाई ये मेरे को दिखा नहीं भाई सच में। अरे भाई ये है कौन? मुझे तो इससे डर लग रहा है। गाइस इसकी एक बार शक्ल देखना भाई, ये तो भाई लैपट की तरह लग रहा है। बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा साथी है, समझ रहे हो ना? अब तुम चिंता मत करो, मैं इससे बोलकर तुमको भी अमीर बना दूंगा। मैं इससे जो बोलता हूँ ये वो ही करता है। मैं अभी चाहूँ तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। भाई प्लीज यार कुछ करके दिखाओ ना, मैं जब भी बिलीव करूंगा। आखिरकार ये आपकी बात मानता नहीं मानता? डोनू मेरी बात सुन, यहाँ पर तू बड़ी बड़ी टीवी लेकर आ। अरे ये सब क्या है भाई, ये तो सच में रियल की टीवी है। और गाइस यहाँ पर चेक करो यार, टीवी आ गई। बढ़िया यार तेरा टोनू तो काफी कमाल का है भाई। प्लीज भाई प्लीज मुझे अमीर बनाना। अरे घबराओ मत, अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो ना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बोला है, मैं जरूर तुम्हें अमीर बनाऊंगा। तुम बताओ तुम्हें किस टाइप का अमीर बनना है? किस टाइप का अमीर बनना है मतलब? अरे एक अमीर होता है जो गरीबों की मदद करता है, और देख दूसरा अमीर होता है जो गरीबों की मदद नहीं करना। भाई मेरे को ऐसा अमीर बना दे जो भाई मैं गरीबों की मदद कर सकूं, अपने साथ साथ और लोगों को भी अमीर बना सकूं। बिल्कुल सही, ऐसे लोग ही तो मुझे पसंद है। टोनू ये मेरा दोस्त है, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तो मेरा दोस्त फ्रैंकलिन है, इसे टोनू तू अमीर बना दे फटाफट से। अरे अमीर, अरे यार एक टास्क पूरा कराना पड़ेगा, कोई भी टास्क फ्रैंकलिन तू पूरा कर, तभी ये तुझे अमीर बनाएगा। जब मैं अमीर बनने वाला था ना, जिस दिन ये मुझे मिला तो इसने मुझसे भी टास्क कराया था। भाई आपने कौन सा टास्क पूरा करा? मैंने तो कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा? मैंने बहुत सारे पेपर रखे और मैंने बोला इन पेपरों को मैं 10 मिनट के अंदर उठा दूंगा। इसने बोला ठीक है, अगर 10 मिनट में वो सारे पेपर मैंने उठा लिए तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर नहीं उठा पाया 10 मिनट में उन पेपरों को तो मैं हार जाऊंगा। बस यही सिंपल टास्क है। लेकिन मैं कौन सा टास्क करूं भाई, आप बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, आप अपने दिमाग से खुद सोचो। गाइस कौन सा टास्क करवा सकता हूं भाई, मैं कौन सा टास्क पूरा कर सकता हूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। यार 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 सिंजन को बुला के लाऊं क्या? अरे हां गाइस याद आया, गाइस आप लोग यार एक टास्क पूरा कर सकते हो। गाइस एक काम करता हूं, इस वीडियो पे ना गाइस पूरे की पूरे यार 2000 लाइक कंप्लीट कराता हूं। अगर गाइस इस वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट हो गए ना तो गाइस मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हां तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट हो गए तो भाई मेरा टास्क पूरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही, अगर इस वीडियो पे तूने अभी के अभी 2000 लाइक करवा दिए तो जरूर तू अमीर बन जाएगा। गाइस आप लोग ना एक काम करो, फटाफट से गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि गाइस इस वीडियो पे पूरे के पूरे 2000 लाइक कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद गाइस मैं भी यार अमीर बन जाऊं, और दिखा दो गाइस इस मेरे दोस्त को कि भाई आप लोग मेरे और सिंजन के कितने प्यारे वाले दोस्त हो। जल्दी जल्दी गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि गाइस बढ़िया करके यार हम अमीर हो जाए और हमारा टास्क भी पूरा हो जाए। अरे अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं जाता हूँ कुछ खा करके आता हूँ, मुझे जाना होगा। गाइस ये तो चल भी रहा है भाई, मुझे तो लगा था गाइस ये हमेशा भाई सिर्फ और सिर्फ स्टैचू बन के बैठा रहता होगा। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, कहाँ से खाऊं। अरे कुछ नहीं है क्या घर में? लगता है मुझे अपने लिए खाना मांगना होगा, और इसके बाद खाना भी होगा। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा कौन है? अरे बाप रे गाइस यार मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, पता नहीं ये कौन है। अरे लगता है वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, यहाँ पर मेरे सामने खाना आ जाए। अरे गाइस एक बार ये चेक करो, मेरे सामने गाइस कुछ टेबल आई है, टेबल पे गाइस पिज्जा के बॉक्स है, बर्गर वगैरह है। बढ़िया यार, इसके अंदर तो काफी अल्टीमेट लेवल की पावर एक्टिवेट हो रखी है यार। गाइस आज तो भाई मैं अमीर हो ही जाऊंगा। गाइस जब तक भाई खाना खा रहा है ना, जब तक गाइस आप लोग गाइस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो पे पूरे के पूरे 10000 लाइक कंप्लीट कर दो। अरे फ्रैंकलिन मुझे समझाओ भी, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, वो है कौन? समझाऊंगा सिंचन, समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, तुम बेफिक्र रहे यार। बस ये समझ सिंचन भाई हम अमीर बनने वाले हैं। और गाइस अब मैं बिलीव कर सकता हूँ कि भाई ये जो सामने है ना, ये मेरी टीवी है भाई मेरे सामने। लेकिन भाई बिल्कुल भी ये टीवी लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है जैसे गाइस ये ना भाई खिड़की हो, और खिड़की से बाहर से गाइस मैं नजारा देख रहा हूँ। पता नहीं भाई किस टाइप की टीवी बनवाई है। गाइस इसके पास ये जानवर है ना, इस जानवर के अंदर गाइस ऐसी ऐसी पावर एक्टिवेट हो रखी है, ये भाई जो मर्जी कर सकता है। देखना गाइस क्या बढ़िया करके खिड़की बनाई है। और भाई ये खिड़की नहीं है, सॉरी ये तो टीवी है। आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर, चलो फटाफट से चलता हूँ। किसको अमीर बनाने को बोला था मेरे दोस्त ने? लगता है इसको बोला था, तुझे अमीर बनना गया। हाँ जी हाँ जी, मेरे को अमीर बनना है। तो बता फटाफट से आखिरकार तुझे कितना अमीर बनना है? जितना तू बोलेगा उतना तुझे अमीर बना दिया जाएगा। भाई तूने एक काम कर, तू ना भाई मेरे को काफी अमीर बना दे। जैसे मैं अपने घर पर पहुंचू ना, मेरे घर पर जाते ही मेरे को काफी सारे हेलीकॉप्टर मिले, गाड़ियां मिले, आर्मी के टैंक मिले, गोल्ड मिले, पैसा मिले, डायमंड मिले। अच्छा तो इस टाइप का तुझे अमीर बनना है, ठीक है तो मैं तुझे अमीर। अरे रुक भाई रुक रुक रुक। अरे हाँ हाँ बता जल्दी, मुझे जाकर अपनी पावर एक्टिवेट करनी होगी अपने अंदर, जल्दी बताओ। पावर एक्टिवेट? अरे छोड़ो ना गाइस, मैं फटाफट से बोलता हूँ कि भाई तू ना मेरे को मेरे घर भी भेज दियो। ठीक है मैं तुझे तेरे घर भी भेज दूंगा, और साथ में सिंचन को भी। सिंचन कौन है? अरे सिंचन मैं हूँ यार, मेरा नाम सिंचन है। अच्छा तेरा नाम सिंचन है, तो ठीक है जो कुछ भी तूने बोला था वो सब कुछ हो गया। अरे ये क्या हुआ सिंचन भाई, ये कहाँ पर आ गए, पहुंच गए क्या भाई सच में अपने घर पे? हाँ गाइस
पहुंच गए भाई, अपने घर पर पहुंच गए गाइस। हम तो सच में भाई एक सेकंड में गाइस हम वहां से यार यहां पर पहुंच गए। और मेरे घर के आगे एक बार ये चेक करो गाइस, गाड़ियों की कलेक्शन जो जो गाइस मैंने उससे बोला था, आई थिंक गाइस वो सब चीज भाई मेरे घर पर आ चुकी है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा गाइस अपनी आंखों पर, मैं कहीं सपने में तो नहीं हूं। नहीं गाइस मैं सपने में नहीं हूं भाई, मैंने उससे बोला था हेलीकॉप्टर के बारे में। यहां पर गाइस प्रॉपर भाई 4-5 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। और गाइस ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर गोल्ड के अंदर कन्वर्ट है, आई थिंक मैंने भाई उससे बोला था गाइस। हाँ मुझे याद आ रहा है गाइस, मैंने उससे बोला था कि भाई यहाँ पर मिलिट्री के टैंक आ जाएं। ये चेक करो गाइस, मिलिट्री के टैंक भी आ चुके हैं भाई यहाँ पर। और भाई मेरे सामने गाइस यहाँ पर डायमंड का भंडार है, और जस्ट इसके सामने गाइस गोल्ड का भी भंडार है भाई। इतना सारा डायमंड गोल्ड आ गया, मजे ही आ गए गाइस, मजे ही मजे। ये चेक करो, लेकिन वेट 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 भाई वेट, यहाँ पर ये बस क्या कर रही है? मेरे को अच्छे तरीके से याद है गाइस, मैंने उससे बस तो नहीं बोला था यार। चलो ठीक है गाइस, बस आ गई तो क्या हो गया गाइस, इस बस को भाई मैं सेल कर दूंगा। भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ गाइस, अब तो यार इतना सारा पैसा आ गया। लेकिन वेट, मैंने उससे पैसा भी तो बोला था। यहाँ पर आसपास मेरे को दूर दूर तक कहीं भी गाइस पैसा नजर नहीं आ रहा यार। गोल्ड आ गया, डायमंड आ गया, पैसा कहाँ है भाई? आई थिंक गाइस पैसा यार उसने ना यार बेडरूम के अंदर भेजा होगा। लेट्स गो भाई, फटाफट से चलते हैं बेडरूम के अंदर और चेक करके आते हैं आखिरकार गाइस कितना पैसा है अपने पास। चलो भाई चलो चलो चलो। लेकिन बेडरूम के अंदर तो गाइस कुछ भी नहीं है यार, पूरा का पूरा घर खाली पड़ा है, यहाँ भी कुछ नहीं। आई थिंक गाइस सेकंड फ्लोर पे होगा। लेट्स गो भाई ऊपर चल के देखते हैं, बस यार ऊपर पैसा हो पैसा हो। नहीं है गाइस यहाँ पर भी भाई कुछ भी, पूरा का पूरा रूम भाई मेरा खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब गाइस पैसा आया नहीं है। अरे फ्रेंकिल भाई यार अभी अभी मैं ऊपर से आया, तुम्हें पता लगा ऊपर कितना कुछ आ गया? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, पैसा नहीं आया तो गाइस क्या ही हो गया, मेरे पास इतना सारा डायमंड गोल्ड तो आ गया। अगर गाइस वो मैंने बेच दिया ना तो मेरे पास गाइस ऑलरेडी काफी सारी मनी आ जाएगी भाई उनको बेचने के बाद। और वैसे भी गाइस मेरे को पता है गाइस मेरे को कहां पर जाना है भाई दोबारा से अमीर होने के लिए। गाइस वो मेरा दोस्त बन चुका है भाई काफी अच्छा, तो मैं दोबारा से जाऊंगा गाइस कायो पेरी को। और कायो पेरी को जाने के बाद गाइस मैं भाई उसी बंदे को ढूंढूंगा जिस बंदे ने गाइस मेरे को इतना ज्यादा अमीर बना दिया ना, और वो तो अपना दोस्त बन चुका है ना सिंचन। अरे हाँ दोस्त बन चुका है फ्रेंगल पे बता। और उसके पास वो जो शेर है ना वो भी आई थिंक हमारा दोस्त बन गया सिंचन। उसके पास शेर काफी कमाल का है भाई, उसकी मदद से सिंचन भाई आज हम भाई काफी ज्यादा अमीर बन चुके हैं। हमारे पास सिंचन कार की कलेक्शन आ चुकी है, और तो और सिंचन अब इतना पैसा आ गया ना कि सिंचन हम भाई लॉस सेंटोस में भाई काफी सारे बड़े बड़े घर भी खरीद सकते हैं। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंकली सिंचन आपके भाई तो यार फटाफट से गाइस अभी के अभी यार इस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे गाइस जब हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यारा वाला बाय।